हेलो दोस्तों, आप सबका मेरी चैनल वॉस कुकिंग में स्वागत है। और आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और एक बहुत ही अच्छा रिफ्रेशिंग वेट लॉस ड्रिंक, जो है वाटरमेलन जूस। तो चलिए ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है तरबूज। तरबूज मैंने यहाँ पे 1/4 इस्तेमाल किया है। मैंने जितना यहाँ पे तरबूज का इस्तेमाल किया है उससे आप 2 ग्लास जूस आराम से बना सकते हो। अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो आप ज़्यादा तरबूज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके बाद हम इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। तो इसे हम इस तरह से बीच में से कट करेंगे और इसका छिलका हम निकाल देंगे। आपको यहाँ पे इसके जो बीज है उसे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसे ब्लेंड करेंगे और बाद में हम इसे छान के निकाल लेंगे। तो इसके मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े किए हैं और इसे हम डालेंगे एक मिक्सिंग जार के अंदर। 2 ग्लास जूस बनाने के लिए आपको ये पूरा मिक्सिंग जार भरना पड़ेगा। तो दैट्स इट, मैंने इसमें तरबूज के टुकड़े डाले हैं। और फिर हम इसमें इसे और भी रिफ्रेशिंग और भी टेस्टी बनाने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे 10 से 15 पुदीना के पत्ते। पुदीना डालने की वजह से इस जूस को एक बहुत ही अच्छा रिफ्रेशिंग टेस्ट मिलता है। पुदीना के पत्ते डालने के बाद मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच शक्कर। अगर तरबूज ज़्यादा मीठा है तो आपको यहाँ पे शक्कर डालने की कोई ज़रूरत नहीं, या फिर आप यहाँ पे शक्कर की जगह शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो बस इन 2 ही चीज़ों को हम इसके अंदर डालेंगे और इसे हम अच्छे से 1 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे। अगर आप ये जूस वेट लॉस के लिए बना रहे हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप इसमें शक्कर का इस्तेमाल ना करें। तो आप देख सकते हो कि ये तरबूज अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब हम इसे एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। बाउल के अंदर निकालने से पहले हम इसे छान लेंगे। तो इसके लिए आप किसी भी छन्नी का इस्तेमाल कर सकते हो। ये हम इस बाउल के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर डालेंगे ये जूस, ताकि जो तरबूज के बीज है वो अच्छे से निकल जाए। तो इसे हम धीरे धीरे करके इसके अंदर डालेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखेंगे, ताकि जो जूस है वो अच्छे से अलग हो जाए। चम्मच की मदद से हम इसे थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि ये जो जूस है वो अच्छे से निकल के आ जाए। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे पूरा जूस निकाल लिया है। और इसके बाद इसका स्वाद और भी बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच नींबू का जूस। नींबू का जूस डालने के बाद मैंने इसमें डाला है 1/4 चम्मच काला नमक। अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो आप यहाँ पे नॉर्मल नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इस रेसिपी में बस हम इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और इन चीज़ों की वजह से आप बहुत ही अच्छा एक वेट लॉस ड्रिंक बना सकते हो। अब हम इस जूस को एक सर्विंग ग्लास में निकाल लेंगे और इसे अच्छे से डेकोरेट करने के लिए हम यहाँ पे तरबूज के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और इसे इसके ऊपर डालेंगे। और फिर इसे और भी रिफ्रेशिंग बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 आइस क्यूब। अगर आप इसे तुरंत सर्व कर रहे हैं तो आप इसमें आइस क्यूब डालिए, वरना आप इसे फ्रिज के अंदर रख के 1 से 2 घंटे के बाद आप इसे पी सकते हो। तो लीजिए, आपका टेस्टी रिफ्रेशिंग वेट लॉस ड्रिंक रेडी है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।